बड़े बुजुर्ग इस तरह करते थे। सुबह की शुरुआत, पूरा दिन जाता है अच्छा, बनी रहती है सुख समृद्धि। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं प्रतिभा पांडे, आज हम बात करेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग किस तरह से करते थे अपने दिन की शुरुआत और उनके नियम क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में दिनचर्या को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इन नियमों का पालन करते आए हैं, लेकिन आज की आधुनिकता भरी चकाचौंध की जिंदगी में लोगों की दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। क्या आपको पता है कि इसके पीछे व्यक्ति की स्वयं की आदतें होती है। यदि जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं, तो सर्वप्रथम कुछ आदतों में सुधार करना चाहिए। साथ ही बिस्तर से उठते ही यदि आप कुछ कार्यों को करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह उठने का सही समय। आज के समय में लोग काम या फिर कंप्यूटर, मोबाइल चलाने के कारण देर रात तक जागते हैं और सुबह को देर तक सोते रहते हैं, जो सेहत के लिहाज से तो खराब होता ही है, साथ ही हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। पहले के लोग सदैव ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते थे। शास्त्रों में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह को ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हैं, तो कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। सुबह बिस्तर से उठते ही करें ये कार्य। शास्त्रों के अनुसार प्रातः सबसे पहले बिस्तर से उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करने चाहिए और 3 से 4 बार अपने मुंह पर फेरना चाहिए। मान्यता यह है कि हथेली में महालक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे आपको उनकी कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पलंग से या बिस्तर से उतरते ही करें ये कार्य। सोकर उठने के बाद जब अपने बिस्तर से उठें, तो पैर नीचे रखने से पहले भूमि को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद धरती पर उतरते ही पृथ्वी को स्पर्श करके प्रणाम करें। बड़े बुजुर्ग सदैव धरती माता को प्रणाम करने के पश्चात ही उठते थे। यदि घर में झाड़ू लगानी हो, तो सबसे पहले झाड़ू को भी प्रणाम करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद करें ये कार्य। बिस्तर से उठकर पृथ्वी को प्रणाम करने के तुरंत बाद मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल, मूत्र, छींक, उबासी, खांसी, इन सभी चीजों के हमारे शरीर के भीतर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इन्हें एक तरह का वेग माना गया है। यदि इनको शरीर में रोका जाए, तो यह सेहत के लिए सही नहीं रहता है। स्नान करके करें ये कार्य। हिंदू धर्म में सुबह के समय पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रातः पूजा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद दांत साफ करके तुरंत स्नान करना चाहिए और फिर अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद तुलसी और सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है, साथ ही मान सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। पूजा पूर्ण होने के बाद करें ये कार्य। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करते हैं, वे अपने जीवन में सदैव सुखी रहते हैं, साथ ही तरक्की प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन निकाले गाय के लिए रोटी। सनातन धर्म में गाय को गौमाता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय को भोजन कराने और उसकी सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिदिन भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताजी रोटी ही खिलाएं।